नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। विश्व हेरिटेज खुदाबख्श लाइब्रेरी के लॉर्ड कर्जन पार्क को ओवर ब्रिज बनाने के दौरान तोड़े जाने के विरोध और इन सब के बीच एक आम रास्ता निकालने के लिए आज नागरिक संवाद कार्यक्रम किया गया। वही पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष सुदामा प्रसाद ने कहा कि शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ओवर ब्रिज की जरूरत है, लेकिन इन सबके बाद भी जो विश्व धरोहर है उसे बचाने की जरूरत है और उसी को लेकर नागरिकों से संवाद किया जा रहा है। और उसमें खुदाबख्श लाइब्रेरी जो है उसका एक पार्ट और कर्जन हॉल जो है लॉर्ड कर्जन हॉल उसको तोड़ने की बात हो रही है। उसके साथ ही जो साइंस कॉलेज पटना विश्वविद्यालय कई बिल्डिंग टूटे हुए, तो जब हम लोग को ये बात मालूम हुई तो हमने बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा इसको बचाने के लिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया 8 अप्रैल को दिया और ये हम लोगों ने गुजारिश किया कि इसको रोका जाए किसी भी कीमत पर। यूनेस्को ने भी विश्व के धरोहरों में इसे 1969 में शामिल किया है, तो ऐसे धरोहर को और ज़्यादा संरक्षित करने की ज़रूरत है, न कि इसे तोड़ने का। इसलिए हम लोगों ने लिखा है और आज हमने यहाँ इस हॉल में नागरिक पटना शहर के जो नागरिक हैं उनकी बैठक बुलाई है कि और क्या इसका वैकल्प हो सकता है कि बिल्डिंग नहीं टूटे और जो आवागमन का रास्ता भी है उसको सुगम बनाए। अगर मांग नहीं पूरा होती है तो आगे क्या करेंगे? नागरिक समाज तय करेगा। वैसे हम विधानसभा में विधानसभा की जो पुस्तकालय समिति है जिसके हम सभापति हैं, 16 को हमारी मीटिंग होने वाली है और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को पूर्व निगम के अधिकारियों को हमने बुलाया है। इस पर बात करते हैं सुदामा प्रसाद की।